हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट मार्केट ट्रेंड मार्केट रेंज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट एंड और बात करेंगे आज देखेंगे क्रूड ऑयल क्या होने वाला है, कहाँ पे एंटी कर सकता है उसका भी ऊपर हम बात करेंगे। तो एक देख सकते हैं मैंने ये 4 आवर का चार्ट लिया क्रूड ऑयल का और पिवट पॉइंट है 3697, फर्स्ट रेजिस्टेंट 3777, सेकेंड रेजिस्टेंट 3830, फोर रेजिस्टेंट 3910 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 3644 एंड द सेकेंड सपोर्ट 3564 एंड द थर्ड सपोर्ट 3511। और ये आप देख सकते हैं डेली, मैंने डेली चार्ट लिया। तो डेली में पहले आपको आपको याद होगा शायद 2-3 लाइक 4-5 दिन पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया और कंटिन्यूअसली ये वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि एक मार्केट एक रेंज में चल रहा है और रेंज में मैंने उसमें ड्रॉ कर दिया था आपको रेंज में। तो देख सकते हैं रेंज मैंने दिया था 3851 और 3480 और एक दिया था आपको 3638 में। तो मुझे लगा मतलब मैंने इसलिए ये रेंज दिया था तो मार्केट एक रेंज में ऐसे ही घूमने वाला है। तो आप देख सकते हैं वहां से मार्केट कंटिन्यूअसली यही रेंज में घूम रहा है, राइट। इसका मतलब कोई ये टोटली मार्केट शॉपी मार्केट में है, साइडवे में है, स्लीपिंग हो रहा है मार्केट। तो ये रेंज में ही आपको जो अगर क्रूड ऑयल आपको ट्रेड करना है तो ये रेंज में ही आपको ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो डेली में ये हो गया तो आप देख सकते हैं 4 आवर कंटिन्यूअसली एक रेंज में ही चल रहा है। और यहाँ पे अभी अगर मैं 30 मिनट छोटा छोटा टाइम फ्रेम करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ से आप ये रीजन से आप मूविंग एवरेज जब से क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रेंज में कोई ट्रेंड कोई क्लियर नहीं है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, राइट। कोई पैटर्न फॉर्म नहीं होता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे नहीं होता है कि एक रेंज में जब मार्केट रह जाता है जैसे एक रेंज में तो ये सही रहता है। लाइक इसको आप इलियट वेव में जाएंगे तो उसको आप जिग जैग पैटर्न भी बोल सकता है और नॉर्मली जाएंगे तो आप ये एक रेंज ट्रेडिंग में आएंगे तो एक रेंज में होता है। तो रेंज में क्या होता है, मार्केट का कोई ना मूविंग एवरेज फॉलो करता है इसमें ना इंडिकेटर फॉलो करता है। कभी इंडिकेटर आपको बाय बोलेगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा, तो फिर से सेल बोलेंगे तो ऊपर चला जाता है। तो इसलिए आपको पैटर्न फॉर्म करना पड़ता है। तो बाकी एरिया आप देख सकते हैं यहाँ से जो बाकी एरिया था इसमें एक पैटर्न फॉर्म कर रहा था मूविंग एवरेज का, साथ में ये बाउंस हो के आ रहा था, राइट। ऐसे ही तो लेकिन यहाँ पे ये रीजन जो मिला हुआ है यहाँ से ना मूविंग एवरेज फॉलो हो रहा है ना कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए ये एक रेंज ट्रेडिंग बोल रहा है। तो रेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, जो आपको ये रेंज का नीचे में जब सेल कन्फर्मेशन मिले तो इसमें सेल कर सकता है रेजिस्टेंट के पास, और सपोर्ट के पास आप जब बाय का कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से बाय जा सकता है। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है यहाँ पे। तो जो आपको ट्रेडिंग करना है तो ये स्ट्रेटेजी ही ट्रेडिंग करना है टिल 3851 लेवल, नहीं तो 3638 लेवल ब्रेकआउट नहीं जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करना है। नहीं तो आपका जितना एसएल लगाएंगे मतलब हर बार आपका ऐसा ही तो होगा। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में सेम यहाँ पे ना कोई मूविंग एवरेज क्लियर इंडिकेटर दे रहा है ना आपको सीसीआई कंफर्मेशन अच्छा से दे रहा है ना स्टॉक स्टिक यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। तो इसलिए आपको अगर ऊपर मिले तो जैसे यहाँ पे अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, ऊपर जा रहा है तो ये एरिया में जब आपको मिलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है सेल स्टार्ट करना है क्योंकि ये एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज में, राइट। और ये एरिया में जब मिलेंगे तो आप बाय में जा सकता है। जैसे यहाँ पे बाय मिला था, यहाँ पे बाय मिला था, यहाँ पे बाय मिला था, यहाँ पे सेल मिला हमें, यहाँ पे सेल मिला, ये उससे पहले ही नीचे आ गया मार्केट सेल के लिए, राइट। तो ये मेथड है ट्रेडिंग करने के लिए। तो जितना हो सके अभी अगर अपने किसी ने अगर बाय लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 3080 में निकल जाना चाहिए, 3800 में निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।